Welcome to the Bibi Ka Maqbara at Aurangabad. You will now hear the guide, a registered practitioner, tell you a little bit about what the Bibi Ka Maqbara stands for. अंदर जो ओरिजिनल पेंटिंग है, जो फूल पत्ती है, इसे हैंग पेंटिंग बोलते हैं, झाड़ पत्ती की, जड़ी बूटी की, ये 350 साल पुराना है, मेरे को भी 350 साल कंप्लीट हो चुकी है। ये जो रूम्स है, उस जमाने में सिक्योरिटी गार्ड सिपाही के लिए यूज करते थे, अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे पिंडा का ऑफिस बन चुका है। ये जो प्लास्टर पैरिस है, ये प्यूपी का है, अंदर लाल और काला पत्थर है, एंड प्लास्टर पैरिस के सिर्फ कवर है। अभी सुनो, इसके बारे में टोटल मालूम देता हूँ। अंदर जाके एक समाधि, एक कबर है। जो समाधि जो दरवाज़ा खुला है वहाँ से देख सकते हैं। समाधि गहरी से देखने का काम आप लोग करेंगे। इसे कहते हैं बीबी का मकबरा। यह औरंगजेब की चौथी पत्नी, लेकिन बेटे ने बनाया माँ की याद में। यह औरंगजेब के लड़के ने बनाया उसकी माँ की याद में। माँ का नाम रबिया दुरानी, बेटे का नाम आजम शाह। आजम शाह औरंगजेब का बेटा। ये ताज की कॉपी है। ताज बड़ा, ये छोटा। ताज षटकोने में, ये चौकोने में। ताज की जो ऊंचाई है 210 फीट, यहाँ का हाइट 135 फीट, इसलिए से साउथ का, डेक्कन का मिनी ताज कहते हैं। ये जो बिल्डिंग है 1661 में बनी, जिस समय खर्चा आया 668,203 रुपये 7 आना। आगरे का ताज का खर्चा वो जमाने में 3 करोड़। यह आगरे की ताज माँ की स्वयं कॉपी, स्वयं प्रतिकृति, लेकिन ताज पूरा मार्बल में है। 20% मार्बल, 80% प्लास्टर। जो डोम और टॉप का मार्बल, नीचे का बेस मार्बल, बीच में जो पोर्शन है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा बनाया गया है जो समुद्र में शांख, कवड़ी, शिंपी, बेबल कोट, सगजरा, गुड़, उड़द की दाल, चूना और डिंग ऐसा मिक्स करके ये प्लास्टर बनाया गया है। अंदर लाल और काला पत्थर है। अंदर का पूरा टोटल एरिया 34 एकड़, 32 बगीचे। ये जो पूरा काम 10 साल में कंप्लीट किया, और इसे दो इंजीनियर ने काम किया, जिसका नाम हंस पत्राय और एक अतुल्ला, एक बंगाली, एक ईरानी। जैसा ताज कंप्लीट हुआ तब इंजीनियर के हाथ काटे गए, हाथ वगैरह काटे नहीं है। आजू बाजू में 4 मीनार टावर खड़े, ये मुगल का प्रतीक है। 25-30 साल पहले ये ओपन थे, दो लेडीज ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, इसलिए बंद कर चुके। ताज में इसमें काफ़ी बड़ा फर्क है। ताज के पीछे जमुना रिवर है, यह पूरा माउंटेन नजर आएगा। ताज में फ्रंट साइट राइटिंग द कुरान, यह कुरान नहीं है। ताज का जो सेंटर डोम वह मीनार से ऊँचा है, यह मीनार ऊँचा है, सेंटर डोम नीचे। ताज में ऊपर जाने के बाद मस्जिद नहीं, दाहत पर एक मस्जिद बताई गई। ताज में ओपन गार्डन है, एक दीवार बताई गई। ताज का जो होल मार्बल इटारी मकराना प्योर क्वालिटी, ये जयपुर राजस्थान। ताज एक ही आर्किटेक्ट ने बनाया है, जिसके हाथ काटे गए, उसका नाम उस्ताद तिसा का। यह दो आर्किटेक्ट लगे। ताज में एक दिन में 22,000 लोग 22 साल तक काम करते थे, या 10,000 10 साल तक। ताज में दो समाधि, ऊपर एक नीचे। यह एक ही समाधि जो औरंगजेब की चौथी पत्नी, औरंगजेब की खुद की समाधि खुलताबाद में, जो 14.75 रुपये वो समाधि की कीमत। इतना बड़ा बादशाह होकर वो टोपी सीता था, कुरान लिखता था, वो सेल करता था। मरने के पहले उसने बताया, जब मैं मरूँगा मेरा जो खुद का खजाना हो उनमें मेरी कब्र बनाना चाहिए, इसलिए उसकी सिंपल समाधि मट्टी में 14.12 रुपये कुलताबाद में देखने मिलेगी। औरंगाबाद का पहला नाम खड़की, आज भी औरंगाबाद सिटी में आप घूमेंगे 52 गेट है। दूसरा नाम पत्यनगर, तीसरा नाम औरंगजेब से औरंगाबाद, औरंगजेब से औरंगाबाद हुआ। हर बिल्डिंग के सामने वाटर टैंक है, ये फाउंटेन के लिए पानी। एक फाउंटेन चालू होते 4 बजे 6 बजे तक। जितना फ्रंट बाजू गार्डन है, इतना बैक साइड गार्डन है।
ऊपर मस्जिद है, नीचे एक मस्जिद है, यहाँ नमाज करना अलाउड नहीं है। नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। बैक साइड में एमटी हॉल है, और ताज जो बना है वो शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए, वो औरत का प्यार, लेकिन बेटे ने अपनी माँ के याद में बना है, ये माँ का प्यार। माँ का नाम रबिया दुरानी और बेटे का नाम आजम शाह। रबिया दुरानी की समाधि है जो गैलरी से आप देख सकते हैं।